हेलो हेलो हेलो। रात के करीबन 1:30 बजे हैं, डेढ़ नहीं ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि भाई ये 1:30 बजे रात को व्लॉग क्या कर रहा है, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि रात को 1:30 बजे किचन में क्या कर रहा है। मैं बताता हूँ, मेरी बीवी जो है जो मुझसे रूठ गई है, क्योंकि आपने मेरा वीडियो तो देखा होगा ना कि वैलेंटाइंस दिन में मैंने उसे गिफ्ट में एक शिमला मिर्च दी थी, जो मुझे लगा था बहुत रोमांटिक है, बट उसे नहीं लगा। बड़ी डांट पड़ी, रूठी हुई है, और आज अभी मुझे बोलती है कि वत्सल आई फील लाइक हैविंग कॉफ़ी। मैंने बोला ठीक है कॉफ़ी बना देता हूँ। बोलते नहीं, मुझे वो बाहर कॉफ़ी शॉप वाली कॉफ़ी चाहिए। बट यू नो वॉट, ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आई एम अ कॉफ़ी लवर, और मेरे पास कॉफ़ी बनाने के लिए बेस्ट मशीन है। आइए दिखाता हूँ। ये है अगारो का इम्पीरियल कॉफ़ी मेकर। इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है, 15 बार्स, हाई प्रेशर, प्रेशर कंट्रोल, ये नौ दबाने से कॉफ़ी बन जाती है, एस्प्रेसो बनता है, एंड दिस इज़ ओ योर एडजस्टेबल मिल्क फ्रॉथिंग वॉन्ड है, जहाँ से स्टीम निकलती है, और ये है एंटी ड्रिप ट्रे। कमाल की बात है, ये देखो ये ड्रिप ड्रिप ही निकल जाती है, और इसमें जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल एक्चुअली यहाँ पानी अगर भर गया तो ये ऊपर फ्लोटिंग डिवाइस की तरह आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि यू नीड टू क्लीन दिस ड्रिप ट्रे। और इसके साथ अटैचमेंट आता है, ये एक स्टील बास्केट है, वाटर फिल्टर है, मेजरिंग स्पून विद अ टैंपिंग डिवाइस। इसमें पीछे वाटर टैंक है, तो ये मशीन के बारे में तो बता दिया, अब हम कॉफ़ी बनाएंगे। लेकिन कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कॉफ़ी बीन्स चाहिए, बिकॉज़ इशिता को बाहर वाली कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी पाउडर नहीं, कॉफ़ी बीन्स। और कॉफ़ी बीन्स के लिए मेरे पास ये मशीन है, देखिए, दिस इज़ अगारोज़ कॉफ़ी ग्राइंडर मॉडल सुप्रीम। इसमें आप देख सकते हैं 31 ग्राइंड सेटिंग्स हैं, एंड दिस हॉपर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 275 ग्राम्स ऑफ बीन्स, एंड ऑफ कोर्स इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। इसके साथ आता है छोटा सा ये ब्रश, क्लीनिंग ब्रश, और ये स्पून, एंड योर यू हैव अ कंटेनर जहाँ से ग्राइंडेड कॉफ़ी अंदर गिरती है। ये अगारो का सुप्रीम कॉफ़ी ग्राइंडर के पहले मैं ना मैन्युअली कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एंड फिर मैंने स्विच किया मेरे किचन में मम्मी के मिक्सी में, और मुझे बहुत डांट पड़ती थी जब भी मैं कॉफ़ी ग्राइंड करता था ना मिक्सी में, मम्मी ऐसे देखती थी। बट जब से ये आ गया है मेरा काम आसान हो गया है, एंड आई एम रियली इन लव विद दिस कॉफ़ी ग्राइंडर। जैसा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने बीन्स डाली हुई है, एंड बाय द वे ये डार्क रोस्ट बीन्स हैं, एंड दीज बीन्स आर फ्रॉम वियतनाम। यस, अब ग्राइंड सेटिंग्स को एस्प्रेसो पे डालना है, बाय द वे इसमें प्रीसेट 10 सेकेंड्स का है, अगर आपको ज़्यादा या कम करना है देन यू कैन यूज़ दिस बटन्स टू इंक्रीज़ और डिक्रीज द टाइम, बट आई थिंक 10 सेकेंड्स इनफ फॉर वन शॉट। देखिए, एंड यू नो दिस मशीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी ग्राइंडर्स, बिकॉज जो ग्राइंड सेटिंग्स है ना वैसी ग्राइंड होती है, एंड टू मेक अ राइट कप ऑफ एस्प्रेसो यू नीड द बीन्स टू बी ग्राइंडेड इन द राइट साइज। तो चलो अभी अपने बीन्स ग्राइंड हो गए, चलते हैं इस मशीन पर। सो ये जो स्टील बास्केट है, स्टील बास्केट को इसके अंदर डालते हैं हम, ओके, एंड देन यूजिंग दिस स्पून कॉफी डालेंगे, एंड देन ये
यहाँ से इसे टैम करेंगे हल्का सा, नॉट वेरी हार्ड, हल्का सा। ओके सो आप पोटो फिल्टर इज रेडी, नाउ वी नीड टू स्विच ऑन द मशीन, पावर ऑन। और ये जो पोटो फिल्टर है यहाँ आ जाएगा, एंड इसे करते हैं लॉक, रखेंगे अंदर कप। इट्स टाइम फॉर मैजिक। Look at the crema, crema. क्या खुशबू आ रही है। आई विश आप इस खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। ये वाला एस्प्रेसो तो मैं खुद ही पी लेता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ही यमी है। ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ, रिशिता के लिए मैं दूसरा बनाऊँगा। लुक एट दिस एस्प्रेसो, क्या स्मेल आ रहा है। आई लव इट। आई एम सॉरी आप स्मेल नहीं कर सकते हो इस अरोमा को, बट इट्स सो यमी एंड डिलीशियस। ओके नाउ टाइम टू फ्रॉथ द मिल्क। अब हम इस मिल्क को फ्रॉथ करेंगे यूजिंग दिस मिल्क फ्रॉथिंग मॉन्ड, जहाँ से स्टीम निकलेगा। ये स्टीम बटन दबाया एंड इट विल स्टार्ट। ये नॉब घुमाने से स्टीम ऑन हो जाएगा। वो उसको ऐसे रखते हैं पहले। ये हो गया हमारा मिल्क फ्रॉथ। देखिए इसको एक दो बार टैप करो, इसे कहते हैं परफेक्टली फ्रॉथेड मिल्क। नाउ इट्स टाइम फॉर मैजिक। ये देखो check this out, this is called cappuccino, cappuccino। अब हम इसे जाकर पिलाएंगे इश्ता को। बेबी फर्स्टली तुम बहुत गंदी लग रही हो। कैपुचिनो, कैपुचिनो कहाँ से लाया? बेबी मैंने बनाया घर पे। दिस इज स्मेलिंग वेरी गुड। आई नो, ट्राई करो। बाहर से मंगाया ना? इस तरह बाहर से कैसे मंगा सकते हैं? हीट करके दे दिया होगा। इस तरह बाहर से मैं कॉफी कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? लुक एट दैट, दैट्स कैपुचिनो जो तुम्हें पसंद है, योर फेवरेट। इतना झाग कैसे हो सकता है घर पे? सच्ची बाहर का नहीं है? नहीं। इट्स सो गुड, इट्स रियली गुड। रात के 2 बजे
मैं गरम गरम कैपेचिनो पिला रहा हूँ। प्राउड ऑफ यू। ऐसा लग रहा है ना कि आज और कुछ मांगा होता वो भी मिल अभी जाता। कैपेचिनो है तो कोई कुकीज़ वुकीज़ भी लेकर आ मेरे लिए, ऐसे थोड़ी पीऊँगी कॉफ़ी, कुकीज़ वुकीज़ बना जाके। चल इससे कुछ ज़्यादा हो गया, पैकेट से खोल के लेकर आ जा। इससे कुछ ज़्यादा हो गया। अच्छा कहना क्या तो कुकीज़। बता यार कॉफ़ी कैसी थी? कॉफ़ी बहुत अच्छी है, सच्ची बहुत अच्छी है। अब से तू इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाते है तो रोज़ मेरे लिए कॉफ़ी बनाना, सुबह को और शाम को। ओके, जब फ्रेंड्स आएंगे तब भी तुझे कॉफ़ी बनाना। ऑल माई फ्रेंड्स, यू आर वेलकम होम। आई एम मोर देन वत्सल हैप्पी। मेक्स वेरी गुड कॉफ़ी, इट्स लाइक आई हाईली रिकमेंड। बहुत पैसे बचेंगे आपके, क्योंकि आप मेरे घर में आके फ्री की कॉफ़ी पी सकते हैं जो बाहर जैसी है, बहुत आई एम टेस्टी मोर है। देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू सर्व ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हुएवर। अच्छा अभी मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए अपने कॉफ़ी के साथ। आप अपना वीडियो ब्लॉग कहीं और जाके बना सकते हैं प्लीज़। थैंक यू फॉर द कॉफ़ी, कैन यू चल बाय। किस? इट वॉज वर्थ इट। इट वॉज वर्थ इट।